तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे वीपीएन को ओपन कर लेना है गाइस, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऑन करके रख लेना पहले से ही, क्योंकि गाइस अगर आप वीपीएन ऑन नहीं करोगे तो गाइस यहाँ पे कैपकट ऐप जो है मतलब नहीं चलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया में जो है कैपकट ऐप बैन है, तो यहाँ पे आपको वीपीएन पहले कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वीपीएन कनेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ चले जाना है कैपकट ऐप में, ठीक है। कैपकट ऐप में जाने के बाद गाइस आप लोगों को करना क्या है, गाइस आप लोगों को यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहले तो हमें न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप लोगों को अपनी एक वीडियो का वीडियो नहीं एक फोटो को ऐड करना है। यहाँ पर फोटो में एडिट होगी ये वाली वीडियो, तो आपको यहाँ पर कोई भी फोटो अपनी ले लेनी है गाइस, ठीक है। यहाँ पे नहीं है तो आप लोग क्लिक करवा लेना कोई सी भी फोटो। एंड उसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैं गाइस पहले फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, एंड यहाँ पे जो मैं फिर बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे गाइस देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम फ्रेम में चलेंगे, ठीक है, फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद 9:16 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद जो है फोटो जो है हम फोटो के ऊपर एक बार टैप करेंगे एंड ऐसे जूम करेंगे इसे, ठीक है, ताकि वीडियो के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाए। ओके सो इतना जाने के बाद आप लोग यहाँ पे डन करना है। फिर उसके बाद आपको फोटो की जो लेंथ है इसको बढ़ा देना है, जैसे कि आप सभी को पता है अराउंड 8 सेकंड तक की तो वीडियो हमारी बननी चाहिए। फिर हम अपने ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग ऑडियो को जो यहाँ से इंपोर्ट कर लेना। ऑडियो को इंपोर्ट कर लेने के बाद आप लोगों को एक बार प्ले करना है, एंड यहाँ पे जो है आप लोगों को एक साउंड सुनाई देगा जहाँ पे आपको वीडियो को स्टॉप करना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे स्टॉप कर लेने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे एक जो है इफेक्ट ऐड करना है पहले, ठीक है। तो आप लोगों सबसे एफेक्ट्स में जाना है, यहाँ पे बॉडी इफेक्ट में चले जाना है। बॉडी इफेक्ट में जैसे ही आप जाओगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन ही दिखेगा यहाँ पे ट्रेंडिंग का। जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेंडिंग ऑप्शन में पहुँचोगे तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है यहाँ पे स्क्रॉल करके, और यहाँ पे ये वाला इफेक्ट जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला इफेक्ट अप्लाई करना है गाइस, ठीक है। तो फिर मैं आपको और प्ले करके दिखा देता हूँ इस तरीके से। फिर यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करना है, एंड यहाँ पे आप लोगों को फिर ओवरले में जाना है, प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक PNG मिलेगा गाइस, ठीक है, कॉपी एंड शेयर वाला। आप लोग यहाँ पे सिंपली इसको जो है टैप करके ऐसे जूम आउट जूम इन करना है, हाइट छोटी कर लेनी इसकी, एंड इसको जो अपने सर्किल से थोड़ा सा ऊपर रखना है यहाँ पे इस तरीके से जैसे मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन में चले जाना है। एनिमेशन में जाने के बाद गाइस आप लोगों को जो है थोड़ा सा आगे जाना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड थोड़ा आगे जाते जाते आप लोगों को ना आगे की तरफ में एक मिलेगा जूम इन करके, सिंपली इसको पक कर देना है। एंड उसके बाद एक बार वीडियो को प्ले करके यहाँ पर हम देख लेते हैं इस तरीके से। एंड यहाँ पे ये तो यहाँ पे जो गाइस हमारी वीडियो जो एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आई होप कि आप सभी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस आप लोगों को इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिलती रहती है चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।